हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिसमें आप लोगों को आपके आगे एग्ज़ाम में या फिर जो है एग्ज़ाम के टाइम में जो है टेंशन ना हो उसके लिए है। फ्रेंड्स, ये मैं बात कर रही हूँ अभी, जैसे आप जानते हो 7 अप्रैल को जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने का डेट अनाउंस हुआ है। 7 अप्रैल, आज जो है 2 अप्रैल हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। मैं ये सिर्फ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो भी स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल करने आप लोग जब जाते हो तो उस समय आप लोग जो हड़बड़ाइए नहीं, गलती ना कीजिए, मिस्टेक्स ना कीजिए, क्योंकि उसका परिणाम ये हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को है और 2 तारीख तक जो है आप टेंशन में हो, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पूर्वांचल के जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। अब उन्होंने मिस्टेक क्या क्या किया है जब फॉर्म फिल किया है, वो सारी चीज़ें जो है आज इसमें वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, किस कारण से जो है आपके एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम हो सकती है और या फिर एडमिट कार्ड नहीं भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक डिटेल जो है, किसी भी एक चीज़ को अगर आप मिस कर जाते हो तो ये हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। तो पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा, और वो गलती जो है आप अपनी लाइफ में कभी मत दोहराइएगा अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ हम आपको टीचिंग से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल से इस चैनल पर देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, ये मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल में आप लोगों के लिए लिखी हूँ। ऐसे तो इसको हम बोल सकते हैं एडमिट कार्ड आने में इशू, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए डिटेल में इसको बता रही हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। बीएड में एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड नहीं आने के कारण कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं कि आप जो है आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है या रिजेक्ट हो गया है। सबसे पहला कारण जो रीज़न है वो आ रहा है, जो मुझे देखने को मिल रहा है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के थ्रू ही मुझे समझ में भी आ रहा है, जब आप लोग को एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है या फिर आप PU जिसको हम बोलते हैं ये जब लिखना होता है, तो जैसे मान लीजिए 2463 लिखना है तो इसमें आप क्या है कि स्पेस दे देते हो, 2 स्पेस 4 स्पेस 6, ये सारी चीज़ें आप गलती कर देते हो। ये मिस्टेक कभी ना कीजिए, जो भी डिटेल एग्ज़ाम फॉर्म में मांग रहा है उसको बहुत बारीकी से फिल कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि उन्होंने नाम जो है गलत जगह पे लिख दिया तो उनको उनका एड्रेस जो है वो गलत हो गया। तो देखिए, एड्रेस और ये सारी चीज़ें तो एक तरह से चल भी जाती हैं कि वो गलत होता है तो फिर भी, लेकिन नाम, एनरोलमेंट नंबर, जिस जो आपका पहचान है, जो आपकी आइडेंटिटी है, अगर आप उसमें मिस्टेक करते हो तो कैसे एडमिट कार्ड आएगा। तो पहला ये। दूसरा जो रीज़न आ रहा है स्टूडेंट का वो है माइग्रेशन से रिलेटेड, लेकिन ये रीज़न होना नहीं चाहिए इनका। मैं बता दूँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी ये बात कि जिनका माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम है कि आपने जो है माइग्रेशन सबमिट नहीं किया है, मे बी आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हो और दूसरे यूनिवर्सिटी से, जैसे अभी पूर्वांचल से आप जो है बीएड कर रहे हो तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से हो सकता है कि माइग्रेशन अभी आपको नहीं मिला हो और आप सबमिट नहीं कर पाए हों, तो माइग्रेशन वाले प्रॉब्लम से भी जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का, तो ये रीज़न भी हो सकता है। लेकिन माइग्रेशन के प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट को जो है वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है वहाँ पे। अब आप सोचोगे कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या लिखा रहेगा, तो उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो 0000 लिखा रहता है, इस तरह से रहता है, लेकिन माइग्रेशन वाले स्टूडेंट को मिल जाता है। फिर भी मैं ये बोलूँगी कि हम मिस्टेक क्यों करें, हम जो डॉक्यूमेंट्स हमें एग्ज़ाम फॉर्म में चाहिए वो हम क्यों नहीं प्रोवाइड करें, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो उसके बाद से अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है। बस यही हम बोल सकते हैं कि हम केयरलेस हो जाते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो फिर से जाग जाते हैं कि हमें, हमारा तो ऐसे मिस्टेक है, हमारे ये कमी है, वो कमी है, तो उन कमियों को हम पहले से ही क्यों ना दूर करें। तो जिनका भी माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, आपने दूसरे यूनिवर्सिटी से जो है अपना प्रीवियस जो भी डिग्री किया है, चाहे वो
ग्रेजुएशन हो या मास्टर हो और उसके बाद आप बीएड जो है दूसरे डिग्री दूसरे कॉलेज से कर रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर आप करें तो आपको माइग्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो पहले से ही माइग्रेशन के लिए अप्लाई करके रखिए और माइग्रेशन सबमिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है स्पेशली मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम में केयरलेस मत रहिए, वरना आपको एग्ज़ाम के पहले तक आप इसी डाउट में रहेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, और आएगा भी तो लेट से आए, कुछ हो सकता है कि आप लोगों को कॉलेज जो है कुछ कंसीडर करे, लेकिन वो तो टाइम आपका लेगा ही। अब इन सभी का सजेशन क्या है कि अगर आपका एनरोलमेंट में पीयू में मिस्टेक हो गया है, आपने स्पेस डाल दिया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सभी स्टूडेंट के लिए सॉल्यूशन यही बताऊंगी मैं कि आप लोग जल्द से जल्द जो है अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज में जा कर के मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मिस्टेक आपने किया है तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए एंड रिक्वेस्ट करके उसको जल्द से जल्द ठीक करवाइए। जैसे 2 तारीख आज है और 7 को आपको एग्ज़ाम है, तो आप इसमें अब कोई भी टाइम नहीं ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा एग्ज़ाम के पहले और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपको एडमिट कराने में प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।